नमस्कार, आज मैं आपके लिए ये बेबी कैप का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये जो बेबी कैप बना रही हूँ मैं, ये बेबी सेट बनाया है, इसके साथ में इसके जैसी ही बना रही हूँ। जो बुनाई डाली है इसमें स्वेटर में, वही बुनाई मैंने यहाँ पर डाली है। 3 टाइम इसे रिपीट किए है यहाँ पर। तो बुनाई आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान है। ये जो बेबी स्वेटर का पार्ट वन है उसमें आप इस बुनाई को देख सकते हैं, और कोई भी आप बुनाई डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप यही बुनाई डालें, कोई भी बुनाई आप डाल सकते हैं, और सिंपल सीधा भी बना सकते हैं अगर आप बिगनर हैं तो। इस तरीके से ये कैप जो है बन के आएगी, बहुत ही प्यारी सी। ये बैक साइड रहेगी कैप की और ये फ्रंट रहेगी। और ये बांधने के लिए बनाया है मैंने, बच्चे के सिर में ऐसे पहनाएंगे और यहाँ पर नोट लगा देंगे ताकि खुले ना। इस तरीके से ये हमारी कैप जो है बनके रेडी हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस कैप को कैसे बनाना है। ये कैप जो है 0 से 6 मंथ के बेबी को आसानी से आ जाएगी, 1 साल के बच्चे के सिर में भी ये आ जाएगी। तो सेट के साथ ही मैंने बनाई है। तो बेबी सेट जो है 0 से 6 मंथ के लिए है, पर ये भी 1 साल के बच्चे को आ जाएगा। ये देखिए, स्वेटर जो है 1-2 साल तक बच्चा डाल सकता है, तो ज़रूर आप भी बनाएं। तो ये कैप बना रही हूँ मैं बेबी के लिए। तो जो डिज़ाइन मैंने बेबी के सेट में डाला है, वही डिज़ाइन इसमें डाला है। यहाँ पर जो फंदे डाले हैं मैंने स्टार्टिंग में, वो डाले हैं 68 फंदे डाले हैं मैंने। बेबी बूल है ये, और इसे बना लिए है। यहाँ पर मैंने उल्टी उल्टी रो बना ली है, 12 सिलाइयाँ बनाई हैं उल्टी उल्टी दोनों साइड से। उसके बाद डिज़ाइन को बनाया है मैंने। डिज़ाइन आपने देखना है तो बेबी सेट में पार्ट वन में आप इस डिज़ाइन को देख सकते हैं। कोई भी डिज़ाइन और भी आप डाल सकते हैं। और इसे मैंने बना लिए हैं 4 इंच तक बनाया है। अब देखिए, 68 फंदे हैं, 68, तो इन्हें 3 भागों में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मैंने ये फंदे डिवाइड करने हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। इस साइड भी 22 रखने हैं, और बीच के फंदे जो हैं वो बीच के रहेंगे 24 फंदे। तो ये 22 फंदे हैं। तो देखिए, 1 फंदा यहाँ से लूँगी, अब 21 रह गए। अब 2 फंदों का एक कर देंगे, ऐसे 2 का 1 कर दिया, हमें पता रहे कि कहाँ पर किया है। तो ऐसे मार्कर लगा लूँगी मैं, इस फंदे को ऐसे ले लूँगी, ये 2 का 1 किया। बीच के फंदे जो हैं सीधे बना लेने हैं, 22 फंदे रहने तक। दो, चार, छः, आठ, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 फंदे हैं। ये 22वां फंदा है। तो एक फंदा यहाँ से लेंगे, इस फंदे को ऐसे टर्न करेंगे दोनों को, और 2 का 1 कर लेंगे। यहाँ पर मार्क लगा लूँगी, यहाँ पर अब 21 फंदे बचे हैं, यहाँ भी 21, 2 का 1 कर दिए है। यहाँ से टर्न करेंगे और इन फंदों को उल्टा बना देंगे। एक फंदा रहने तक यहां से ऐसे टर्न कर लेंगे। ये 2 का 1 किया था, ये टर्न हो गए यहाँ से। इस फंदे को भी मैं उल्टा बना लूँगी ऐसे,
अब ऐसे यहाँ से टर्न करेंगे, तो ये दो का एक ये था। अब एक फंदा यहाँ से लेंगे, एक ऐसे, अब इन दो फंदों का फिर से एक कर देंगे ऐसे। ये चेन जैसा आने चाहिए जो दो का एक हो रहा है, यहाँ से एक एक फंदा घटता जाएगा, बीच के फंदे जो हैं सीधे बना लेंगे। ये दो का एक किया था, अब एक फंदा ये और एक यहाँ से लेंगे, दो का एक करेंगे। तो इसे पहले ऐसे टर्न करेंगे, यहाँ से एक फंदा लेंगे, दो का एक करेंगे। तो यहाँ पर मार्कर की ज़रूरत तो नहीं है, अगर आप बिगनर हैं तो लगा सकते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। यहाँ से टर्न करेंगे, फिर से इस फंदे को बिना बुना ही रहने देंगे ऐसे। यहाँ से एक फंदा लेंगे और ऐसे दो का एक कर देंगे ऐसे, बाकी के फंदे सीधे। इस फंदे को ऐसे लेंगे बिना बुना, साथ में अगला फंदा लेंगे, दो का एक कर लेंगे। यहाँ से फिर टर्न करेंगे, देखिए अब हमें पता भी चल जाएगा ये उल्टी रो यहाँ तक है और ये उल्टी रो हमारी यहाँ पर आ गई है। तो इस फंदे के साथ अगला फंदा हर बार दो का एक करना है सीधी सिलाई में। उल्टी साइड से फिर से सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे, पहला फंदा उतारना है और सारे फंदे उल्टे बना लेने हैं, लास्ट में भी दो का एक करेंगे। देखिए लास्ट में एक बार बता देती हूँ, आप सीधी साइड से भी दो का एक कर सकते हैं और जैसे मैं कर रही हूँ उल्टी साइड से भी दो का एक कर देंगे। ये देखिए उल्टी साइड से भी कर सकते हैं आप दो का एक। तो ये फंदा लास्ट का रह गया है बिना बुना, तो इस फंदे को ऐसे सीधा कर लेंगे पहले और साथ में दो का एक कर लेंगे। तो एक ही बार करना है दो का एक, या उल्टी साइड कर लीजिए या सीधी साइड, तो ऐसे भी कर सकते हैं आप। अब उतार लेंगे इस फंदे को, बाकी का सीधा बना लेंगे। लास्ट में एक ये फंदा एक यहाँ से लेंगे, दो का एक उल्टी साइड में आएंगे, तो उल्टी साइड में फंदे को सीधा कर लें और दो का एक कर लें। तो जैसे आपको इजी लगे वैसे बनाते जाएं। तो ऐसे हमारे फंदे ये पूरे कम होते जाएंगे, दोनों साइड के एक एक फंदा घटता जाएगा और यही फंदे हमारे एंड में रहेंगे। तो मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ तक बना लिया है इसे, ये देखिए ऐसे हमारा ये सीधा सीधा फंदा दोनों साइड आना चाहिए फिनिशिंग। तो बीच के जो 24 फंदे थे वो ही रहे, बाकी हमने दो का एक करते गए और बनाते गए, तो ऐसे बनकर आया है ये। अब इस साइड के फंदे उठाने हैं और इस साइड के भी। तो देखिए सीधी साइड है ये, 24 फंदे हैं जितने सेंटर के पार्ट के थे। अब यहाँ से फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। एक उठाया, एक यहाँ से उठाऊंगी। पास पास से उठाने हैं, ज्यादा पास भी ना हो और दूर भी ना हो।
ऐसे उठाना है लास्ट का, ताकि यहाँ पर फिनिशिंग आए हमारी। तो अब देखिए इस हाथ से फंदे बढ़ाने हैं, तो 20 फंदे बढ़ा लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो मैंने 20 फंदे डाल लिए हैं यहाँ पर। अब इस रो को उल्टा उल्टा बना लेंगे। सभी फंदों को बना लेना है लास्ट तक। यहाँ तक मैंने सारे फंदे उल्टे बना लिए। अब इस साइड से भी फंदे उठाने हैं, तो जितने फंदे यहाँ उठाए उतने ही यहाँ उठाने हैं। तो यहाँ पर भी मैं फंदे उठा लेती हूँ। यहाँ उल्टा है तो उल्टे ही उठाने हैं। दूसरी साइड सीधे हाथ की सिलाई थी तो सीधा बुनते हुए उठाए, यहाँ पर उल्टे बुनते हुए उठाए हैं। तो साथ साथ में काउंट भी करते जाएंगे। तो यहाँ पर भी मैंने फंदे उठा लिए। अब इस साइड भी फंदों को डालना है। तो देखिए इस साइड डाले थे तो इस हाथ से डाले थे मैंने, क्योंकि सीधी साइड थी, ये उल्टी साइड है। तो जैसे राइट हैंड में डालूँगी मैं, जैसे राइट हैंड में डालते हैं इस हाथ से डालूँगी तो सीधे फंदे आएंगे हमारे। बीस फंदे डाल लिए। अब सभी फंदों को दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाना है। जब यहाँ पर आएंगे तो इस धागे को भी इसके साथ इसके अंदर लेके जाना है, ताकि यहाँ पर फिनिशिंग रहे। तो अब देखिए कुछ नहीं करना है, दोनों साइड से ये रो जो है उल्टी उल्टी बना लेनी है। तो 8-10 रो बनानी है उल्टी। तो ये कैप बनके रेडी हो चुकी है। ये मैंने बना ली है, जो फंदे यहाँ पर डाले थे एक्स्ट्रा और इस साइड भी डाले थे, इकट्ठे ही बुने हैं, उल्टी उल्टी रो बनाई है इसकी। 1 2 3 4 चार सिलाइयाँ बनाई हैं, तो काफ़ी हैं इतनी ही, क्योंकि बांधना ही है। ज़्यादा ये चौड़ी हो जाएगी तो मोटी हो जाएगी, जो भी इसमें फिर नोट लगाएंगे बाद में बांधेंगे। तो ये रेडी हो चुकी है। तो आपने इतनी ही सिलाइयाँ बनानी हैं। और एक बात देखिए, आप बटन भी लगा सकते हैं। अगर बटन लगाएंगे इसमें तो यहाँ पर बटन होल भी एक साइड में रखने पड़ेंगे।
तो जिस साइड में आपने बटन होल रखने हैं वो आपने यहाँ पर टोटल 10 फंदे ही डालने हैं, क्योंकि बटन ही लगेगा एक। और इस साइड आपने इतने ही फंदे डालने हैं और 2 से 3 आपने बटन होल बना लेने हैं। तो जहाँ फिर मर्जी आप एडजस्ट कर सकते हैं बच्चे के गले के हिसाब से, बटन 2-3 बटन होल बना लें। और ये इतनी लंबी एक साइड की नहीं बनानी, हाफ ही बनानी है, और यहाँ पर एक बटन लगा देंगे। तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ, सिंपल कोई बटन वाली नहीं बना रही हूँ। तो सिंपल बनाई है, इसमें 2 नॉट लगेंगी बांधने के लिए। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो चुकी है इतनी रो, ये राइट साइड है। तो 2 फंदों का एक करते जाएंगे, बाइंड कर देंगे फंदों को, एक फंदा नेक्स्ट बुनेंगे और पिछला फंदा इसके ऊपर गिरा देंगे। तो ऐसे चेन जैसा आएगा और ये फंदे हमारे बंद होते जाएंगे। आप ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर लेफ्ट नीडल में डालें फंदे को, साथ में दूसरा फंदा लें, 2 का 1 करें, तो ऐसे भी ये बाइंड ऑफ ही होते हैं। तो जैसे आपको आसान लगे वैसे आपने इन फंदों को बंद कर लेना है। तो ऐसे मैं सारे फंदे ये बंद करके आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर लिए हैं, यहाँ से स्टार्ट किए थे तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये कैप भी बनके रेडी हो चुकी है छोटे से बेबी की, ये देखिए इस तरीके से दिखेगी, बहुत ही प्यारी सी। तो ज़रूर ट्राई करें, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर ये बांधने के लिए बनाए हैं, आप ये लेंथ इसकी लंबी भी रख सकते हैं, तो इतना ही काफ़ी है। अगर आप थोड़ी सी बड़ी रखना चाहते हैं यहाँ पर नोट लगाने के लिए, तो यहाँ पर आप जो है जैसे मैंने एक्स्ट्रा फंदे डाले थे वो आपने ज़्यादा डालने हैं। तो ये जो स्ट्राइप है ये लंबी बन जाएगी, ये वाली, इस तरीके से ये बन के आएगी कैप, बहुत ही प्यारी सी। तो वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।